बेसिकली 2D कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द कंप्यूटर बेस्ड जनरेशन ऑफ डिजिटल इमेजेस, मींस कि जो भी अपन डिजिटल इमेज जो अपन जनरेट करते हैं, ठीक है, वो अपनी क्या है, 2D ग्राफिक्स है यूजिंग कंप्यूटर। जैसे अपन कोई भी पिक्चर लेते हैं अपने सेलफोन से या आपके जो कैमरा है उससे अपन पिक्चर लेते हैं, ठीक है, वो आपकी पिक्चर आपकी स्टोर होगी, और जब अपन उसको जनरेट करते हैं, जनरेट इन द सेंस अपन उसको व्यू करते हैं, देखते हैं, वो क्या आपका, वो बेसिकली आपकी कंप्यूटर, वो आपकी 2D है, ठीक है, या 2D कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ठीक है। अब जो 2D की अगर अपन बात करें तो 2D के अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे आपकी आपके टेक्स्ट हैं, डिजिटल इमेज है, कोई प्रिंटिंग का वर्क है आपका, ठीक है, एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, ये सारी की सारी ड्राइंग है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी 2D के अंदर आपकी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन जब भी दो एक्सिस की बात करेंगे अपन 2D के अंदर, ठीक है, एक आपकी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, एक आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है, इधर आपकी एक्स हो गई, इधर आपकी वाई हो गई, अपन दो एक्सिस की बात करते हैं। 2D मतलब 2D, ओनली 2D, एक आपकी एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक आपकी वाई एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है, ओनली टू दो डायरेक्शन की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो अब 2D ट्रांसफॉर्मेशन की अगर अपन बात करते हैं, यानी कि कंप्यूटर 2D कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो सबसे पहले टर्म आता है आपका, वो आता है 2D ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स कि अपन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है, कैसे उसको रोटेट कर सकते हैं, कैसे उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। अब 2D ट्रांसफॉर्मेशन में अगर अपन बात करें तो बेसिकली 2D ट्रांसफॉर्मेशन में पांच चीजें होती हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग, ठीक है। बेसिक की अगर अपन बात करें, बेसिकली अपनी ये तीन चीजें होती हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग, ठीक है। अदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी एक रिफ्लेक्शन होती है, एक आपकी शेयरिंग होती है, ठीक है। तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे बेसिकली इन तीन को डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। जो नेक्स्ट टू बच जाएंगे उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इनिशियली अपन स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन के, कि व्हाट इज द ट्रांसलेशन और हाउ टू ट्रांसलेट एन ऑब्जेक्ट इन वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, ठीक है। ये देखिए ट्रांसलेशन की अगर अपन बात करें, ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या हुआ आपका, ट्रांसलेशन का मीनिंग हो गया आपका कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अपन उसको कैसे लेके जाएं किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो होता है आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। सपोज मैंने एक एग्जांपल जो इसके अंदर मैं शो करता हूँ आपका, ये आपका एग्जांपल है, एक ऑब्जेक्ट है आपका पी, ये आपका पी ऑब्जेक्ट है, अभी करंट पोजिशन इस पी की ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पोजीशन से आपको इस पोजीशन के ऊपर इस पी को लेके जाना है, ठीक है, यानी कि आपको पी डैश पोजीशन पे उसको लेके जाना है, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन जो भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं अपने, उनके अंदर अपन क्या करेंगे, उनके अंदर अपन कुछ नए कोऑर्डिनेट्स ऐड करते हैं, ठीक है। सपोज अपने कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इसको अपने को ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करना है पी डैश के अंदर। तो मैंने अज्यूम किया कि मेरे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस आपने एक्स एक्सिस पे की और कितनी एक्स एक्स जो डिस्टेंस आपने वाई एक्सिस के ऊपर आपने उसको मूव मूव करने में आपने यूज में ली, तो उसको अपन बोलते हैं dx एक्स एक्सिस के ऊपर और dy आपके वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो न्यू कोऑर्डिनेट होंगे आपके, ठीक है, तो न्यू कोऑर्डिनेट होंगे एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस dx, मीन्स कि ओल्ड पुराना कोऑर्डिनेट्स आपका एक्स और आपका जितनी आपने वहां से डिस्टेंस आपने कवर की वो दोनों को ऐड किया, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई प्लस डी वाई, वाई पुराना कोऑर्डिनेट्स आपका पी का एंड जो आपने डिस्टेंस वहां से कवर की, ठीक है, तो दोनों को अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इजीली उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको कॉलम वेक्टर फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे, पी के वेरिएबल हो गए आपके एक्स और वाई, पी डैश के हो जाएंगे एक्स डैश और वाई डैश,
तो फाइनल ट्रांसलेट क्या करता है अपन उसको, डी एक्स और डी वाई। तो नाउ अब पी गेस क्या हो सकता है, पी प्लस टी, मीन्स आपको इसको और इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपका जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, आपकी आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो होगी आपकी एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है, एंड वाई प्लस डी वाई, ठीक है। इस तरीके से आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ये तो होता है सिंपल अपना ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन की के बाद अपन डिस्कस करते हैं स्केलिंग को, ठीक है। स्केलिंग का मतलब क्या होता है, स्केलिंग का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज को छोटी करना या छोटी चीज को अपन बड़ी करना, स्केल करना। सपोज इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक पी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पॉइंट पी को या ऑब्जेक्ट को अपने को क्या करना है, इस पी गैस के अंदर अपने को स्केल करना है। उसको अपन क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, लार्ज कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज आपकी बड़ी है। तो सपोज वही जो सेम अपन ने किया था, इस केस में अपन क्या करेंगे, एक्स वाई, ठीक है, पॉइंट अपने क्या हो जाएंगे, पी डैश एक्स डैश वाई डैश। अब अपने को क्या करना है, अपने सपोज मैंने फैक्टर ले लिया एस एक्स, तो एक्सिस की डायरेक्शन में ले लिया, और एस वाई मैंने ले लिया वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब सबसे पहले मैं एक्स डैश इज इक्वल्स टू एस एक्स इंटू एक्स, मतलब मेरे को उसको स्केल करना है। तो उस जो अपन ने पीछे ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेशन जो अपन ने किया था, उसमें अपन ने क्या किया था, उसके अंदर अपन ने किया था एडिशन। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो आप देख रहे होंगे एस एक्स डॉट एक्स और वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस वाई इंटू वाई। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, स्केल का मतलब अपन उसको इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि अपने जो वेरिएबल जो अपना ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है उसकी साइज को अपन क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं, स्केलिंग करना उसको, ठीक है। उसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साथ में एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट्स के साथ और वाई के कोऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। अब कितना करना है, वो फैक्टर अपना एस एक्स है और एस वाई है, ठीक है। अब सिंपली इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे अपन, तो एस इक्वल्स टू एस एस एक्स जीरो और जीरो एस वाई। अब इनको क्या करना, अपने को पी डैश इज इक्वल्स टू एस डॉट पी, और अपन इसको लिख सकते हैं एक्स डैश वाई डैश, जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे अपने एस एक्स जीरो जीरो एस वाई, क्योंकि ये आपकी यूनिक मैट्रिक्स होती है, आपको पता ही है, इंटू एक्स वाई। एक्स वाई क्या हो गए आपके, जो ऑलरेडी गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ये अपना सिंपली क्या हो गया, स्केलिंग। तो ट्रांसलेशन में अपन ऐड करते हैं, ठीक है, और स्केलिंग में अपन क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये दो गई अपनी। तो अब जो लास्ट है अपना, ठीक है, उसमें वो है अपना, सर एक बार ट्रांसलेशन वापस समझा दो, और डिस्कनेक्ट हो गया था। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि सपोज अपना कोई भी ऑब्जेक्ट पी है, ठीक है, अब अपन क्या चाहते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो इस पोजीशन पे लेके जाएंगे, तो अपन ये चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पे वो कितना मूव किया और वाई एक्सिस पे वो कितना मूव किया, क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इस यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, या सॉरी टाइम पे कितनी डिस्टेंस लगी, ठीक है। उस डिस्टेंस को क्या करेंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पी के, उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, उसका एडिशन कर देंगे। सपोज एक्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया डीएक्स, क्योंकि ये जो मूवमेंट था वो था आपका एक्स डायरेक्शन में, और वाई डैश के अंदर मैं वाई प्लस के साथ मैं ऐड कर दूंगा डी वाई, क्योंकि ये जो मेरा मूवमेंट था वो मेरा वाई डायरेक्शन में था, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो आपके ऑब्जेक्ट ने मूव किया है वो एक्स डायरेक्शन में भी गया है और आपका वाई डायरेक्शन के अंदर भी गया है। तो अपन क्या करेंगे, एक्स के अंदर जितना डिस्टेंस कवर की वो ऐड कर दी, या जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और सेम वाई के अंदर जितना वाई डायरेक्शन में गया वो वाई की तरफ अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड करने से अपन जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो फाइंड आउट अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपने को ट्रांसलेशन करना है उस केस में अपन करते हैं एडिशन, ठीक है, और अगर अपने को स्केलिंग करनी है, ठीक है, तो
तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और स्केलिंग इजी हैं, ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट है वो है रोटेशन। तो रोटेशन है इसकी थोड़ी टफ, क्यों होती है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट को अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट से रोटेट करना पड़ेगा, मीन्स उसके अंदर अपने को एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये पी, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये यहाँ पे जाए, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है। तो क्यों, जब तक ये एंगल आइडेंटिफाई नहीं करूंगा मैं यहाँ से उसको रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसके लिए मैं अपन फॉर्मूला डेराइव करते हैं, ठीक है, समझते हैं कि वो होता कैसे है। सपोज क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस थ्योरम वाला, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका बेस, ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आगे लाइन, और इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम की अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो इसको मैंने एच से डिनाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, एक तो आपका ये इस तरीके से ये निकल जाएगा, और अपने को एक ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो अपने को दो चीजें यहाँ पे निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। अब वो निकालते कैसे हैं वो अपन देखते हैं, कैसे निकालेंगे अपन इनको। ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरा ये एक वेरिएबल है पी एक्स वाई, ये इसने y से डिनोट कर दिया, इसने इस पूरे को किससे डिनोट कर दिया, x से डिनोट कर दिया, इसको ये लेता है r, ठीक है। तो अपन क्या, x के करस्पोंडिंग मैंने इस एंगल को डिनोट किया phi से, ठीक है। तो x मेरा क्या होगा, r इंटू cos phi, और y मेरा होगा r इंटू sin phi, ठीक है। मतलब ये अपन उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो अपन जो इसकी बात कर रहे थे, परपेंडिकुलर वाला, बेस वाला, उससे अपन निकाल लेंगे इसको, ठीक है। अब एक तो अपन ने ये निकाल दिया, अब मेरे को कौन सा निकालना है, अब मेरे को निकालना है ये वाला, इस तरीके से यहाँ से इसको निकालूंगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आर मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक नया वेरिएबल मेरे को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसको मैं कहूंगा वाई डैश, ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, एक्स डैश भी निकालना पड़ेगा। तो एक्स डैश क्या होगा मेरा, इस पूरे में से, ये जो पूरा है आपका, इस एक्स में से, ठीक है, अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, इस एक पर्टिकुलर इस वैल्यू को। तो उससे अपन क्या निकाल लेंगे, अपन वाई एक्स डैश निकाल लेंगे। अब कैसे निकालते हैं देखते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं आर डॉट कोस फाई आर डॉट साइन फाई। अब अपने को निकालना है थीटा एंगल निकालना है अपने को, ठीक है। तो अब अपने को निकालना है ठीक ये वाला, x डैश और y डैश अपने को आइडेंटिफाई करना है, कि और अपन x और y अपन निकाल चुके हैं। तो x डैश और y डैश जब अपन आइडेंटिफाई करेंगे वो होगा आपका r डॉट cos थीटा प्लस फाई। क्यों, क्योंकि थीटा और फाई आपके दोनों ये वाले एंगल हो गए, और y डैश के लिए क्या हो जाएगा, r डॉट sin थीटा प्लस फाई, ठीक है। क्योंकि आपका थीटा और फाई दोनों आपको क्या करने हैं, आपको ऐड करने हैं इसमें फिलहाल, क्योंकि आपका ये थीटा और ये आपका फाई है, और आपका अपन एंगल को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे ये फाई है और इस पोजीशन पे एक थीटा है, ठीक है। तो अपन ने इसको क्या कर दिया, अपन ने इसको इजीली ऐड कर दिया। अब अपने को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई जब अपन इसको करेंगे तो आप देखोगे जो फॉर्मूला है आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, आर कोस थीटा प्लस फाई क्या होता है आपका, आर कोस फाई डॉट आर कोस थीटा माइनस आर साइन फाई साइन थीटा, और r cos phi sin theta plus r sin phi cos theta। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, आपने प्रीवियस आपने पढ़े हैं, इनको डिस्कस किया। तो अपन ने क्या निकाल लिया, अपन ने ये दोनों चीजें अपन ने निकाल ली, ठीक है। ये ऑलरेडी इससे निकाल लिया अपन ने, उसके बाद इसको यूज में लेके अपन ने इन अपने x डैश और y डैश की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे अपन अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर अपन वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर आर, आर के लिए अपन क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो अपने पास जो फाइनली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स डैश क्या है आपका, एक्स डॉट कोस थीटा वाई डॉट साइन थीटा एंड वाई डैश एक्स डॉट साइन थीटा प्लस वाई डॉट कोस थीटा, ठीक है। अब एक्स डैश जो आपके पास आया वो अपन ने इसको सिंप्लीफाई करके अपन ने निकाल लिया है, ठीक है।
अब जो फाइनल वैल्यू आई इन सबको अपन ने यूज किया और उनको सब्सटीट्यूट करके जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी एक्स डैश और वाई डैश, ये आ गई अपने पास। अब फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कोस थीटा, ये कोस थीटा, साइन थीटा माइनस की और ये कोस थीटा और एक्स और वाई, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसका मतलब होगा पी डैश इज इक्वल्स टू आर इंटू पी, ठीक है। पी का मतलब जो अपन ने प्रीवियस जो वैल्यू निकाली वो पी अपनी, ठीक है, और पी और आर मतलब जो अपन ने नई वैल्यू निकाली वो अपनी आर, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू तो अपनी क्या थी, प्रीवियस वैल्यू तो वही एक्स वाई थी अपनी एक तरीके से देखे तो अपन, ठीक है, और नई वैल्यू क्या आ गई अपनी, ये एंगल से अपन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अपन ने तीन बातें की, ट्रांसलेशन की, स्केलिंग की और रोटेशन की। ट्रांसलेशन में सब क्या किया अपन ने, ऐड किया ये टी प्लस पी, स्केल में अपन ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और रोटेशन में अपन ने क्या किया, एंगल आइडेंटिफाई किया और फाइनल जो वैल्यू उसके साथ अपन ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी चीज हो गई आपकी ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन। अब देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, कि इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज ये एक प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम है आपकी कि गिवन है सर्किल सी, ठीक है, रेडियस 10 है एंड सेंटर कोऑर्डिनेट्स उसके 1 और 4 है। अप्लाई द ट्रांसलेशन विद डिस्टेंस 5 टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, मतलब आपको एक्स एक्सिस पे कितना मूव करना है आपको 5 और 1 मूव करना है आपको वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अब अपने को जो अपना फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे अपने वो कैसे निकलेंगे, सपोज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 1 एंड 4, ठीक है, आप देखोगे आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 4, ये लिखे अपन ने। ट्रांसलेशन वेक्टर मतलब अपने को उसको कितना ट्रांसलेट करना है, वो है अपने 5 और 1, 5 है एक्स एक्सिस पे, 1 है आपका वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आएंगे अपने वो क्या हो जाएंगे, एक्स न्यू इज इक्वल्स टू एक्स ओल्ड प्लस ट्रांसलेट कितना किया वो इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5, ये कितना आ गया आपका 6, एंड वाई वाई के लिए कितना हो जाएगा आपको, ओल्ड पहले 4 था और अपन ने कितना किया 5, तो अपने जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए उसके लिए वो कितने आ गए 6 और 5, ठीक है। तो सिंपली अपन इस तरीके से जो ट्रांसलेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं अपन, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है अपनी, ठीक है, वो एक छोटे एक सिंगल के लिए था। अब मैं चाहता हूँ कि अपने पॉइंट हैं 4, स्क्वायर लिया मैंने, उसके पॉइंट क्या क्या हैं स्क्वायर के, उस स्क्वायर के पॉइंट हैं अपने आपके 0, 3, 3, 3, 3, 0 और 0, 0। अब मैं ये कह रहा है कि अप्लाई द ट्रांसलेशन विद डिस्टेंस 1 एक्स एक्सिस पे करना है एंड 1 किस पे करना है आपको वाई एक्सिस पे करना है, ठीक है। अब सपोज कि ये मान लो कि ये आपकी एक्स है, ये आपकी वाई है। अब इसके अंदर को ये मान लो कि स्क्वायर आपने बना दिया है, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना मूव करना है, इसको मूव करना है 1 डिस्टेंस और वाई पे भी 1 डिस्टेंस। अब अपने को नए स्क्वायर बनाना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नए स्क्वायर के लिए, अपने को वो करना है, ठीक है। सपोज अब सबसे पहले अपन किसके लिए निकालेंगे, इस ए के लिए निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जब अपन ए के लिए कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो ए के पुराने कोऑर्डिनेट्स है 0, 3, इसने लिखा 0 और 3, उसमें क्या क्या ऐड कर दिया 1 और 1, तो नए कोऑर्डिनेट आ गए आपके 1 और 4, ये आ गए आपके ए के लिए, ठीक है। अब अपन किसके लिए निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स को, बी के लिए, ठीक है। अब मैं बी के लिए निकालते हैं, तो बी के जो वैल्यू थी प्रीवियस, बी की वैल्यू आपकी 3 और 3, ठीक है। जब 3 और 3 है तो उसके अंदर अपन क्या ऐड करेंगे, 1 और 1, क्यों, क्योंकि अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितना मूव करना अपने को 1, तो 1 और 1, तो वो गया 4 और 4, तो ये अपने बी के नए कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 4। ऐसे ही अपन सी के निकालेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 0, तो ये हो जाएंगे आपके 4 और 1, सी के निकल गए, ठीक है। सी के निकलने के बाद अपने नेक्स्ट कोऑर्डिनेट अपन निकालते हैं बी के लिए, बी के लिए ऑलरेडी इनिशियली जो कोऑर्डिनेट्स थे बी के वो थे 0, 0, तो बी के नए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 1, 1, क्या आ गए 1, 1, ठीक है। तो जब आप उस पोजीशन को अपन चेंज करेंगे, नई पोजीशन आएगी, सपोज अपनी जो प्रीवियस पोजीशन थी वो ए थी, ठीक है, ये आपका 0, 0 था यहाँ पे,
ये थ्री था, ये आपका थ्री था, ठीक है, ये पहली पोजीशन थी। अब अपन ने इसको क्या किया, जो नई पोजीशन है, ठीक है, एक्स ए की बात करता हूँ, वन और फोर, तो पहली पोजीशन वन है, ये रही वन, ठीक है, और ये आ गया फोर आपका, यहाँ पे ये वन आ गया और आपका ये फोर आ गया, ठीक है, पोजीशन आ गई। फिर बी पे फोर फोर है, ठीक है, सी पे फोर वन है और डी पे वन वन है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपन अपने कोऑर्डिनेट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वो होता है आपका ट्रांसलेशन, यानी कि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, जो भी अपन उसको डिस्टेंस की बोलेंगे, उसमें अपन वो चीजें ऐड करके अपन नई डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में से कुछ पूछना है किसी को तो आप मेरे से पूछिए एक बार। हेलो, हेलो सर, आ गया समझ में? ट्रांसलेशन आ गया समझ में सबको? चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ट्रांसलेशन के बाद अपन अपना एग्जांपल लेते हैं रोटेशन का। अभी अपन रोटेशन की बात कर रहे थे कि रोटेशन कैसे काम करेगा। सपोज अपना ओरिजिन है स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 और एंडिंग पॉइंट है उसके 4 4, ठीक है। अब अपने को उस लाइन को रोटेट करना है, तो उसमें कितने डिग्री रोटेट करना है उसको, 30 डिग्री। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द लाइन सेगमेंट एंड फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन। अपने को नई लाइन के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब ओल्ड कोऑर्डिनेट 4 4 है और रोटेशन एंगल अपना 30 डिग्री है, ठीक है। तो अपन नए एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये देखो जो फॉर्मूला है, सबसे पहले अपन एक्स के लिए निकालेंगे, एक्स न्यू के लिए और वाई न्यू के लिए, दोनों के लिए अपन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला था अपना एक्स ओल्ड यानी कि पुराने कोऑर्डिनेट्स इंटू कोस थीटा माइनस वाई ओल्ड इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो 4 इंटू कोस 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 30 डिग्री है, माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री। अब जो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, वो होती है आपकी रूट 3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, इससे अपन एक्स टेन पहला कोऑर्डिनेट आ गया 1.46 और ऐसे ही अपन वाई के लिए निकालेंगे। वाई के लिए होता है एक्स ओल्ड इंटू साइन थीटा प्लस वाई ओल्ड इंटू कोस थीटा, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू रूट 3/2, ठीक है। वैल्यू पुट की अपन आ गया 2 + 2√3। तो इसको जो सिंप्लीफाई करके नई वैल्यू आ गई, वो आ गई 5.46। मींस कि अपने को x की x का कोऑर्डिनेट मिला 1.46 और y का कोऑर्डिनेट्स मिला 5.56। अपने नए रोकेश नए अपने कोऑर्डिनेट्स आ गए लाइन के लिए, ठीक है। अब इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें अपन, ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म थी अपनी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, ये मैट्रिक्स फॉर्म थी और साथ में अपन थे अपने एक्स और वाई, ठीक है। अब इसको इसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से 4 इंटू कोस 30 इसके साथ किया, फिर ये किया माइनस 4 इंटू साइन 30, साइन 30 ये हो गया और कोस आपका ये हो गया। अब इसको अपन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपनी लास्ट वैल्यू क्या आएगी एक्स के, 1.46 और 5.46, ये अपनी नई वैल्यू अपन इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको प्रॉब्लम वन थी अपनी। अब नए एंगल की अपन बात करते हैं। इनिशियल जो पहली जो उसकी पोजीशन थी वो थी ये 4 और इधर से 4, ये लाइन की पोजीशन थी, ठीक है। अब क्या करना क्या है, अपने को इसको रोटेट किया 30 डिग्री एंगल से, ये 30 डिग्री एंगल था, ठीक है। तो नई पोजीशन क्या आ गई, ये वैल्यू चली गई आपकी 5.46 पे यहाँ पे, और ये आपके नई वैल्यू आ गई 1.46 पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अपनी लाइन को रोटेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये हो गया रोटेशन। रोटेशन का एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। वो तो एक सिंपली आपका एक एंगल था, एक लाइन के लिए था। अब अपन चाहते हैं उसको ट्राइंगल के लिए करें, ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0, 0, 1, 0 और 1, 1, ठीक है। इनिशियली ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। ए के लिए 0 0, बी के लिए 1 0, सी के लिए 1 1। अब इसको क्या करना है, कह रहा है कि रोटेट द ट्राइंगल 90 डिग्री। अब इसको कितना रोटेट करना है अपने को, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब अपने को आइडेंटिफाई करना है
कि किस तरीके से अपन इसको निकालेंगे. सपोज न्यू कोऑर्डिनेट्स है, फॉर्मूला वही है आपका, x इंटू कोस थीटा माइनस वाई इंटू साइन थीटा. तो x ओल्ड कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो उसकी वैल्यू है जीरो और जीरो, ठीक है, ये कितना जाएगा आपका जीरो, ठीक है. न्यू कोऑर्डिनेट्स की बात करें दूसरा, वही साइन थीटा कोस थीटा, वैल्यू कितनी आ गई आपकी जीरो, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है जीरो. तो अपनी पहले जो पोजिशन है कोऑर्डिनेट्स आए उसके लिए वैल्यू क्या आ गई जीरो. दूसरी अपन बी के लिए निकालते हैं, ठीक है. तो बी के लिए जब अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स ओल्ड प्लस वही प्रीवियस जो अपन ने लिखे वही, ये भी क्या गया आपका जीरो. और वापिस अपन वाई के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री कितना हो गया आपका, 1 इंटू साइन 9 1 हो गया, तो ये क्या आ गया आपका 1. तो जो प्रीवियस जो आया अपने पास वो तो आ गया अपने पास 0 0 को आ गई वैल्यू, नई वैल्यू आ गई इसमें 0 1. और ऐसे सी के लिए निकाला तो सी के लिए आ गया माइनस 1 और 1, ठीक है. तो तीन कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ गए. तो जब अपन क्या करेंगे, तीनों को ट्रांसलेट करेंगे. ये देखो ट्रांसलेट किया, सपोज अपने प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स ये थे, ए की वैल्यू थी अपनी 0 0, ये 0 0 हो गई, ठीक है. फिर बी की वैल्यू थी 0, बी की वैल्यू थी अपनी 1 0, ठीक है. और सी की वैल्यू 1 1, ये 1 1, ठीक है. अब इसको अपन ने क्या किया, 90 डिग्री के एंगल पे अपन ने इसको रोटेट किया, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या आए अपने, सी की वैल्यू आ गई अपनी माइनस 1 और 1, तो ये माइनस 1 और 1 ये आ गई, ठीक है. ए की वैल्यू एज इट इज 0 0 है, ठीक है. और बी की वैल्यू थी 0 और 1, बी की वैल्यू थी 0 और 1, ठीक है. तो अपना पहले ये था ट्रायंगल, अब ट्रायंगल क्या आ गया अपना, ये आ गया, ठीक है. तो इस तरीके से अपन उसको रोटेट भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है. तो रोटेशन में से कुछ समझना है किसी को, हेलो, रोटेशन क्लियर है सबको? यस सर. चलो ठीक है, रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपना फाइनल था स्केलिंग कैसे करेंगे अपन, ठीक है. सबसे पहले एक स्केलिंग की तो एक ही प्रॉब्लम काफी, अपन डायरेक्टली मैंने स्क्वायर ले लिया स्केलिंग के लिए आपका, ठीक है. सपोज अपने कोऑर्डिनेट्स हैं अपन ने 0,3, बी के 3,3, सी के 3,0, डी के 0,0, ठीक है. अपन इस पे स्केलिंग अप्लाई करते हैं एक्स पे 2 और वाई पे 3, ठीक है. अब अपने को नए एक्स पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले वही अपन कोऑर्डिनेट्स ए और 0,3 के लिए निकालेंगे इस ए के लिए. तो आप इसमें डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 और 9, ठीक है. तो ए के ऊपर जो नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आएंगे आपके 0 और 9, ठीक है. ऐसे ही बी और सी के लिए निकालते हैं, बी के लिए नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके 6 और 9, एंड सी के लिए आएंगे आपके 6 और 0, क्योंकि अपन क्या करते हैं जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं जो फैक्टर अपने को गिवन होगा, जो कि ये अपना 2 और 3 स्केलिंग फैक्टर, ठीक है. ऐसे ही अपन किसके लिए निकाल देंगे, डी के लिए. डी के लिए कितने हैं अपने 0 और 0, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू 0 0 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने पे भी 0 0 मिलेगा. अब क्या होगा, देखो नए कोऑर्डिनेट्स आ गए, पुराने कोऑर्डिनेट्स थे उनके करस्पोंडिंग अगर आप देखोगे तो नए कोऑर्डिनेट से क्या हो गया, स्केल करने पे आपका जो स्क्वायर है वो कितना बढ़ गया, आप खुद देख रहे हो आप, ठीक है. तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इजीली स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है. तो इसमें से कुछ समझ में आया आपको या नहीं आया, एक बार क्लियर कर दीजिए आप लोग. कुछ पूछना है इसमें से, तीनों में से बताइए मेरे. हेलो स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी है आप लोगों की इसमें से? नो सर. क्लियर है ये सारा? नो सर. यस सर. चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स और जो रिमेनिंग है अपना रिफ्लेक्शन और शेयरिंग, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है. Thank you, sir. Okay, thank you.